आज जो पहला लेक्चर है हमारा वो है ईथर पर। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि व्हाट आर ईथर्स, ईथर होते क्या हैं। तो फंक्शनल ग्रुप इज ऑक्सीजन अटैच्ड विथ एल्काइल ग्रुप और एरिल ग्रुप। आप देखते हैं कि अगर यहाँ पर आर और आर लगा रहता है तो इस तरह से जो है ये ईथर फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा, ईथर है ये। और आप एआर ओ एआर अगर एरिल ग्रुप लगाते हैं तो भी ईथर वाले कंपाउंड ये बनते हैं। एग्जांपल के लिए CH3OCH3 एक सिंपल ईथर है। ऑक्सीजन के इधर उधर आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ बराबर एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, सेम नंबर ऑफ द कार्बन हैं, तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल ईथर। अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज करें, एक तरफ एक कार्बन की चेन और दूसरी साइड में दो कार्बन की चेन, इट मींस डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड विद ऑक्सीजन, दैट इज असिमेट्रिकल ईथर, इसको हम बोलेंगे असिमेट्रिकल ईथर। अब इसी तरह से AR वाले ग्रुप को लेकर के भी आप बना सकते हैं। दोनों तरफ C6H5 ग्रुप लगा हुआ है, सिमेट्रिकल है। और अगर आप कुछ दूसरा R ग्रुप लगा लेते हैं, कोई डेरिवेटिव जो है C6H5 में लगा करके और दूसरी तरफ में C6H5 लिखते हैं, तो वो अनसिमेट्रिकल उसमें भी बन जाएगा। नाउ व्हाट इज द IUPAC नेम, IUPAC में किस तरह से इसको यूज किया जाता है। अगर हम कहें कि इसका IUPAC नेम लिखना है, जो फर्स्ट आपको दिया हुआ है CH3OCH3, कॉमन नेम जो इसका होगा वो तो है डाई मिथाइल ईथर। इसका नाम होगा इथाइल मिथाइल ईथर। लेकिन जब IUPAC में है तो अकॉर्डिंग टू IUPAC जो ऑक्सीजन है उसके साथ में किसी एक एल्काइल ग्रुप को जो है मिक्स कर दिया जाता है और उसको बोलते हैं एल्कॉक्सी। अब कैसे एल्काइल ग्रुप को आप मिक्स करेंगे, जैसे यहां पर सिमेट्रिकल है तो आप किसी भी एक को जो है ऑक्सीजन के साथ ले सकते हैं। तो इसके लिए तो वर्ड होगा लेट कि मैंने इसको यहां पे मिला दिया या इसको ले लिया, तो ये आ जाएगा आपका मिथॉक्सी और एक कार्बन है तो मिथेन। लेकिन जब है दो अलग अलग तरह के आर ग्रुप है, यहां पर दो कार्बन की चेन है और इस साइड में एक कार्बन की चेन है, तो तब हमें थोड़ा सा डिफर करना होगा, क्योंकि जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है स्मॉलर साइड में जो लगा हुआ है उसको ऑक्सीजन के साथ मिक्स करना, यानी कि छोटा आर ग्रुप जो है, छोटा एल्काइल ग्रुप जो है आप ऑक्सीजन के साथ लेंगे, तो इसका IUPAC नेम बनेगा मिथॉक्सीइथेन। तो सेम इसी तरह से अगर हम कुछ और नाम ले लें इथर के, लेट की CH3CH2O और इस साइड में थोड़ा सा चेन को डिफर कर देते हैं CHCH3 और ये लगा देते हैं, तो देखने से पता चल रहा है कि ये क्या है, असिमेट्रिकल है। लेकिन IUPAC नेम के लिए क्या करेंगे, देखिए लॉन्गर चेन आपकी इस साइड में है तो मेन कंपाउंड जो है इसके नाम से माना जाएगा। लेकिन अगर आप उसको IUPAC में ले तो कैसे करेंगे, देखिए ये स्मॉलर है तो ये तो हो गया इथॉक्सी, और इथॉक्सी किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोला जाएगा 2-ethoxypropate, ये बोला जाएगा 2-ethoxypropate। तो कार्बन की चेन को सेलेक्ट करना होता है, जो कार्बन की चेन बड़ी चेन है वो मेन फंक्शनल ग्रुप के साथ में मानी जाएगी, कि फंक्शनल ग्रुप ये है आपका, उसके साथ में स्मॉलर आर ग्रुप को आप मिक्स करेंगे और जो है जो लंबी चेन है उसका नाम आप लिखे, जैसे प्रोपेन यहाँ लिखा हुआ बट 2 से ये लगा हुआ है, ये भी हमें लिखना होगा कि लॉन्गर चेन में किस कार्बन के साथ में आपका ईथर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको नंबर दे करके आपको लिखना पड़ेगा। तो ये तो कुछ हमने IUPAC नोमेनक्लेचर आपको बताए। अब इसी के साथ में हम इसमें आते हैं प्रिपरेशन में। ईथर की जो प्रिपरेशन होगी
उसमें एक वेल नोन नेम है विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस, तो विलियमसन सिंथेसिस के अंदर क्या किया जाएगा, ये है ईथर की प्रिपरेशन। पहली मेथड है, तो इसमें लिया जाता है एक सोडियम का इथॉक्साइड, जैसे ये लेंगे हम C2H5ONe, जिसको कि आप अल्कोहल से बना सकते हैं। C2H5OH पे अगर आप सोडियम मेटल की रिएक्शन करते हैं तो C2H5ONe बनता है। इसकी रिएक्शन अगर आप अल्काइल हैलाइड से कर लें, लेट के एक एग्जांपल दे देते हैं आपको, कोई भी अल्काइल हैलाइड है, CH3Cl हमने ले लिया, तो ये CH3Cl और इसके बीच में अगर रिएक्शन होती है तो एक तरह का ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो हमें मालूम है कि C2H5O दिस इज नेगेटिव पार्ट एंड Na पॉजिटिव पार्ट। उसी तरह से CH3Cl को अगर ले लें तो ये पॉजिटिव पार्ट है और ये है हमारा नेगेटिव पार्ट है। तो Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव मिल करके जो है NaCl का फॉर्मेशन करते हैं, और साथ में जो है C2H5OCH3 ये कंपाउंड फॉर्म करता है। C2H5O मॉइटी यहां से आपको मिली और CH3 पॉजिटिव यहां है क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट, तो ईथर हमारे पास आता है, तो ये कंपाउंड हो गया ईथर। तो जो ईथर है वो अभी बना हुआ है हमारा अनसिमेट्रिकल यानी कि असिमेट्रिकल, लेकिन आप इसको सिमेट्रिकल ईथर भी आप बना सकते हैं। सिमेट्रिकल ईथर के लिए हमारे दोनों तरफ ये सबस्ट्रेट और जो रिएजेंट है दोनों को सेम नंबर ऑफ कार्बन लेने पड़ेंगे, CH3ONa प्लस CH3Cl, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, तो ये और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलकर के हमारा बन गया NaCl, और साथ में जो है CH3OCH3, दिस वन इज सिमेट्रिकल ईथर। तो किसी भी तरह के कंपाउंड्स को, किसी भी तरह के ईथर को आप फॉर्म कर सकते हैं। अगर सिमेट्रिकल चाहिए तो उसके लिए उसी तरह से दोनों रिएक्टेंट के साथ में सेम नंबर ऑफ कार्बन आपके होने चाहिए, और अगर आपको अनसिमेट्रिकल चाहिए तो अलग अलग कार्बन को आप ले सकते हैं। तो एक मेथड ये था। इसी तरह से एक मेथड और हम देते हैं आपको, ये विलियमसन सिंथेसिस है, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल होता है, दैट इज द सेकेंड मेथड। दूसरा है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अगर इस मेथड को आप देखें तो इसमें एक लिमिटेशन भी आपकी रहेगी कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से एल्कीन भी बन सकता है, लेकिन हमें बनाना है अगर ईथर तो उसके लिए जो अल्कोहल होगा उसका अमाउंट जो है ज्यादा होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए। जैसे सपोज लेट CH3CH2OH है, अगर इसका डिहाइड्रेशन करना है और H2SO4 की प्रेजेंस है, कंसंट्रेटेड H2SO4 अगर आपने लिया है, अगर ये अमाउंट में कम है, CH3CH2OH बहुत ज्यादा नहीं है, कम अमाउंट में है, तो हो क्या जाता है OH- यहां से H+ यहां से, तो ये बन जाता है CH2 double bond CH2 plus H2। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें बनाना है ईथर, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस को चेंज किया जाता है। जो अल्कोहल है CH3CH2OH, कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं, इसमें अगर आप H2SO4 की रिएक्शन H2SO4 के साथ उसको गर्म किया जाता है, तो ये अगर एक्सेस अमाउंट में है, एक्सेस अमाउंट अगर आप लेते हैं अल्कोहल, अगर आप एक्सेस अमाउंट में लेते हैं, ज्यादा अमाउंट में अगर लेते हैं, तो क्या होता है इसमें, अगर इसके दोनों मॉलिक्यूल हम अलग अलग कर दें, CH3CH2OH प्लस CH3CH2OH, तो कंडीशन हमारी वही है H2SO4 की प्रेजेंस में, तो एक से H और एक से OH, एक से H एक से OH, तो मिलकर के आपका बन जाएगा CH3CH2O CH2CH3 plus H2।
दोनों ही जो ये रिएक्शन आपके सामने रखी गई है वो था डिहाइड्रेशन, बट कंडीशंस लिटिल बिट डिफर। नंबर वन फर्स्ट वाली में है कि जो अल्कोहल जब बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं है, लगभग ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में है इसके और इसके, तब तो हमें एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अब अल्कोहल बहुत ज्यादा अमाउंट में ले लेते हैं तो वाटर जब आउट होता है तो साइमल्टेनियसली ईथर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे इसको ध्यान में रखना है। ओके, दिस वन इज द सेकंड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। नाउ एक मेथड और हम आपके सामने रखते हैं। अगर आप एल्काइल हैलाइड को ले लेते हैं, थर्ड मेथड है, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अगर एल्काइल हैलाइड से आप इसको बनाने की कोशिश करें तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जो है सिल्वर ऑक्साइड के साथ पे करते हैं। एल्काइल हैलाइड को अगर आप लें CH3CH2Cl और उसके साथ में सिल्वर ऑक्साइड, लेड की मैंने ले लिया एक कंपाउंड CH3Cl और इस पे रिएक्शन कर दी हमने, सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला Ag2O। सिल्वर जो है ये प्लस फॉर्म में रहता है, ऑक्सीजन माइनस टू, तो अगर आप बनाएं उसका सिल्वर ऑक्साइड का तो Ag2O बन जाएगा। फॉर्मूला बनाना बहुत आसान है, Ag+1 ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। ओके, तो सिल्वर ऑक्साइड के साथ में अगर इसको गर्म करते हैं आप तो क्या होगा, जो ये Ag2 है यहाँ पर दो Ag हैं, क्योंकि हमें जो कंपाउंड बनाना है वो तो AgCl बनाना है, लेकिन हमारे पास में एक ही ये है आपका CH3Cl है, तो ये Ag2 हैं, तो आपके पास में दो Ag ये CH3Cl के मॉलिक्यूल होंगे, तो ये दोनों मिल करके जो है इसके साथ में लग जाएगा, तो Ag2CL एक साइड प्रोडक्ट हमारा बनेगा, सिल्वर क्लोराइड जिसको बोलते हैं, और जो रेस्ट मॉइटी है CH3OCH3, तो ये ईथर हो गया। तो एक मेथड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से ये आपके सामने रखी गई। इसी तरह से कुछ और मेथड्स हैं, दैट की एक और इजी मेथड है जिसको लैब में किया जा सकता है, डायजोमीथेन से, फ्रॉम डायजोमीथेन। नाउ डायजोमीथेन, जो डायजोमीथेन है उसका फॉर्मूला जो है वो है आपका CH2N2। तो CH2N2 के साथ में किसकी रिएक्शन की जाए कि आपका ईथर का फॉर्मेशन हो, तो उसके लिए बेस्ट है अल्कोहल C2H5। कोई भी अल्कोहल आप ले सकते हैं, अगर इथाइल अल्कोहल आप लेने के लिए CH3OH भी ले सकते हैं। C2H5OH प्लस डायजोमीथेन, फॉर्मूला है CH2N2। तो जब आप इसको गर्म करते हैं तो जो ये CH2 ग्रुप है, ये CH2 ग्रुप, क्योंकि आपको मालूम है कि जो C2H5OH का जो H है ये एसिडिक एज ए प्रोटॉन आउट होता है, ये दोनों मिल करके जो है CH2 और H मिल करके CH3 फॉर्म करेंगे और बन जाएगा CH2OCH3 प्लस नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगी, तो ये हमारा ईथर। आप सिमेट्रिकल बनाना चाहते हैं तो सिमेट्रिकल भी बन जाएगा, CH3OH ले ले तो सिमेट्रिकल भी बन सकता है। ओके, तो ये कुछ प्रिपरेशन आपके सामने रखी। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम इसको पानी में सॉल्युबल करना चाहें तो वाटर में सॉल्युबल, ये स्प्रिंगली सॉल्युबल होगा, ये जो है अल्कोहल से कम सॉल्युबल होगा, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें इसकी सॉल्युबिलिटी पर तो सपोज लेट CH3OH है, ये अल्कोहल है, इसमें आप जानते हैं कि दिस पॉजिटिव दिस सेंटर नेगेटिव, और अगर आप ईथर की बात करें तो दोनों तरफ आप देखते हैं आर ग्रुप आ गया, कार्बन आ गया, तो इसमें जो चार्ज सेपरेशन है वो उतना बेटर नहीं होगा जितना यहाँ पे हो रहा है। अल्कोहल में जो चार्ज सेपरेशन है वो बेटर है, ईथर में चार्ज सेपरेशन पुअर है। जब चार्ज सेपरेशन पुअर है
तो वाटर जो कि पोलर एक सॉल्वेंट है तो उसके साथ में इसका इंटरेक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो कि हमें मालूम है कि सॉल्युबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो है लाइक डिसॉल्व लाइक। तो इसमें तो सॉल्युबिलिटी बेटर होगी वाटर के साथ में, लेकिन इसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ा कम होगी। दैट्स व्हाई कॉल्ड ईथर जो है दीज आर स्प्रैंगली सॉल्युबल इन सॉल्युबल इन वाटर, बहुत कम सॉल्युबल होंगे वाटर में, न के बराबर। ओके, तो अब जो इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज की बात आती है तो ईथर की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है वो जरा देखेंगे, क्योंकि ईथर जो है अगर सिंपल ईथर को हम ले रहे हैं तो CH3OCH3 है, तो इसमें कुछ ग्रुप्स हैं। देखिए, नंबर एक तो ऑक्सीजन के ऊपर है दो लोन पेयर, ऑक्सीजन एटम के ऊपर देख रहे हैं आप दो लोन पेयर हैं, एक है यहां पर CO बॉन्ड और एक R ग्रुप है। तो ईथर की रिएक्शन है जो है वो तीन तरीके से है, नंबर वन ड्यू टू लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम। ईथर जो है एक तो रिएक्शन देता है ऑक्सीजन के ऊपर, आप देख रहे हैं दो लोन पेयर है, दूसरा रिएक्शन है ड्यू टू जो ये सी और ओ के बीच का बॉन्ड आप देख रहे हैं, इस बॉन्ड में भी ब्रेकिंग हो सकती है, तो ड्यू टू क्लीवेज ऑफ सी ओ बॉन्ड, तो CO बॉन्ड की क्लीवेज की वजह से भी ईथर जो है कोई केमिकल रिएक्शन दे सकते हैं। फिर एक थर्ड पार्ट ये है कि आप R ग्रुप देख रहे हैं, ये R ग्रुप है, R ग्रुप बड़ा भी हो सकता है, CH2, CH2, CH3 भी हो सकता है, तो इट मींस एक रिएक्शन हो सकती है ड्यू टू एल्काइल ग्रुप, अगर वो एल्केन वाला ईथर है, एल्किल ग्रुप वाला ईथर है, तो ये तीन तरीके से रिएक्शन ये ईथर दे सकता है। कहां पर कौन सी रिएक्शन होगी दैट डिपेंड अपॉन द रिएजेंट, कि आप रिएक्शन का मीडियम क्या रख रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हम आपको देना चाहेंगे इसमें एक रिएक्शन है, जैसे हैलोजिनेशन लिख सकते थे, एक रिएक्शन है हैलोजिनेशन। अगर इस रिएक्शन को देखा जाए हैलोजिनेशन रिएक्शन को, तो इसमें कुछ चीजें कोई ईथर हम ले लेते हैं, लेट की एक सिंपल ईथर ले लें CH3OCH3, इस पे रिएक्शन करना है क्लोरीन का, और इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है देखिए, अगर आप सनलाइट की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करते हैं, क्योंकि क्लोरीन है, दिस इज वेरी वेरी फोटो सेंसिटाइज्ड, ये फोटो सेंसिटिव होता है लाइट की प्रेजेंस में, ये जो है फ्री रेडिकल फॉर्म करता है, तो रिएक्शन जो है बहुत ही फास्ट होती है और प्रोडक्ट कुछ डिफर भी बन सकते हैं। तो हम पहले ले रहे डार्क, इट मींस देयर इज नो सनलाइट। अगर आप सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं ले रहे हैं तो इतनी आसानी से आप इसमें फ्री रेडिकल जनरेट नहीं कर सकते हैं, तो तब प्रोडक्ट हमारे क्या बनते हैं। यहाँ पर से अभी देखें हमने सिमेट्रिकल एल्कीन लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी चाहे आप इस साइड में ले लीजिए चाहे इस साइड ले लीजिए, कहीं से भी आप एक एच हटा दीजिएगा उसकी जगह पर जो है, क्योंकि अगर क्वांटिटेटिवली आप देखें तो हमने ये भी वन मोल लिया है, ये भी वन मोल लिया है, तो हम एक एक हाइड्रोजन और एक सीएल के साथ रिप्लेसमेंट शो करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वहां पर होगा, एक एच यहां से हटा करके और उसकी जगह पर हम क्या ले आएंगे सीएल ले आएंगे, तो CH3OCH2Cl+HCl, ये एक प्रोडक्ट है। लेकिन आप थोड़ा सा हम चेंज करते हैं ईथर को लेकर के, तो ईथर को अगर चेंज करें स्टार्टिंग मटेरियल को, लेट मैंने ऐसा कर दिया CH3CH2OCH3 कर दिया और Cl2 के साथ रिएक्शन किया, डार्क कंडीशन सेम रखी, तो आप देखते हैं आप जो पहले वाली जो रिएक्शन हमने यहाँ पर रखी है उसमें आप देख रहे हैं कि देयर इज नो चॉइस, बोथ आर सेम, यहाँ भी CH3 है यहाँ भी CH3 है, तो आप कहीं से भी ये एच हटा करके सीएल लगा सकते हैं। लेकिन जब आपके पास में चॉइस है कुछ ऑप्शंस बन जाते हैं, यहाँ साइड में आप देख रहे हैं CH3 है और यहाँ एक ये CH2 भी आ रहा है, तो हमें क्या करना है
इस सीएल को आप यहां से डिस्प्लेस एच करके वहां लगाओगे या यहां लगाओगे या यहां लगाओ। तो जैसा कि हमें मालूम है कि जैसे जैसे कार्बन से हाइड्रोजन कम होते चले जाएंगे तो उसमें से हाइड्रोजन को हटाना आसान भी होता है। इट मीन्स अगर कहीं चॉइस आती है तो टर्सरी अगर कार्बन है अगर उसमें हाइड्रोजन है टर्सरी कार्बन है अगर उसमें हाइड्रोजन है तो उस हाइड्रोजन को हटाना आसान होता है। उसके बाद होता है सेकेंडरी में से हटाना होता है और सबसे लास्ट में हटाया जाता है प्राइमरी से। तो यहाँ पर ये लुक्स लाइक सेकेंडरी, तो यहाँ पर से ये जो है एच, इस एच को हटाया जाएगा तो यहाँ पे सी एच थ्री सी एच सी एल बनेगा और ओ सी एच थ्री बनेगा इस तरह से प्लस एच सी एल। तो हेलोजिनेशन में यही ध्यान रखना है कि अगर इंटर टर्मिनल में कार्बन के अलावा अंदर भी कार्बन है और उसके साथ में हाइड्रोजन है तो आप उन हाइड्रोजन को हटाएंगे न कि टर्मिनल वाले हाइड्रोजन को। तो अगर आप इसको फर्दर रिएक्ट कराते हैं, इसका रिएक्शन अगर आप Cl2 से और करते हैं तो पहले ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर से हटेगा, देन उसके बाद और करते हैं तो फिर आपके पास ये और ये चॉइस है तो ये वाला हाइड्रोजन पहले रिप्लेस कर लेंगे क्योंकि वो ऑक्सीजन से जो है डायरेक्ट C लगा हुआ है। जितना आप ऑक्सीजन से जो ईथर वाला ऑक्सीजन है ईथर फंक्शनल ग्रुप के जितना आप दूर जाएंगे उतना हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना टफ 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 होता चला जाएगा। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट बनेगा। और इसी के साथ में अगर आपसे ये कहा जाता है कि इसको सनलाइट के प्रेजेंस में करें तो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, रिएक्शन थोड़ा सा फास्ट होती है और CH3O CH3 प्लस जो है Cl2 अगर सनलाइट यहाँ पर ले रहे तो एक ही साइमल्टेनियसली एक साथ में बहुत तेजी के साथ में रिएक्शन होती है क्योंकि फ्री रेडिकल है। तो ये जो CH3 है और ये जो CH3 है दोनों तरफ के जो हमारे हाइड्रोजन यहाँ पर हैं ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन सभी डिस्प्लेस हो जाएंगे और ये सभी डिस्प्लेस हो करके कुछ इस तरह का प्रोडक्ट आपके सामने आएगा। CCl3 तीनों H को हटा दिया फिर O देन CCl3 और प्लस जो है जितने भी हाइड्रोजन हटे इट मींस 6HCl। तो बैलेंस करना अलग चीज है, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये चेंज करना पड़ेगा। 3Cl2 है लेकिन ज्यादा आपको दिख रहे हैं, देखो 3 ये है क्योंकि हाइड्रोजन आपने ज्यादा किए तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा 6Cl2। ओके, तो ये एक था हेलोजिनेशन वाला रिएक्शन। अब इसी तरह से कुछ रिएक्शन है और हैं, जैसे रिएक्शन विथ अगर आप कहें हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड मींस HCl, HBr, HI या HF इस तरह की अगर आप रिएक्शन लेते हैं तो देखिए क्या होता है। रिएक्शन विद एच आई, रिएक्शन विद एच आई ये एक हैलोजन एसिड है। हैलोजन एसिड आपको मालूम है कि एच एफ भी एक हैलोजन एसिड है, एच सी एल है, एच बी आर है और एच आई है, इनमें सबके साथ में रिएक्शन दे सकता है। बट हमें मालूम है कि एच एफ से लेकर के एच आई तक अगर हम जाते हैं तो एमन दीज हो दिस वन इज मोस्ट एसिडिक। तो इसके साथ में कुछ रिएक्शन है स्पेसिफिक तरीके से आपको देंगे। सी एच थ्री ओ सी एच थ्री एक कंपाउंड हमने ले लिया, ये इथर है और इसकी रिएक्शन अगर आप करते हैं एच आई के साथ में और कंडीशन आपको दे दी जाती है कोल्ड में करिए। अगर आप रिएक्शन की कंडीशन को कोल्ड या वार्म हॉट कंडीशन में लेते हैं तो भी प्रोडक्ट में डिफरेंस आता है। आप देखने की जब कोल्ड में लेंगे तो ये जो एसिड है इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो थोड़ा सा कम होगी, माइल्ड रिएक्शन उसमें होगा। तो तब क्या बनता है, तब के लिए तो बहुत इजी है कि ये H प्लस देगा, ठीक है वो H प्लस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये H प्लस देगा यहाँ पे लगेगा और उसमें क्या बन जाएगा ऑक्सोनियम आएगा। अगर इसका मैकेनिज्म अगर देखते हैं तो वो भी बन जाएगा। तो फिलहाल बहुत इजी तरीके से हम बता दें इसको कि ये एच प्लस और ये मिलकर के एक तो बन जाएगा हमारा क्या सी एच थ्री ओ एच और एक बचा हुआ पार्ट सी एच थ्री और आई एक साथ लग जाएंगे तो ये बन गया हमारा सी एच थ्री आई।
ओके। और अगर इसकी मैकेनिज्म को देखा जाए तो मैकेनिज्म क्या होती है कि CH3OCH3 प्लस HI जो है इसमें क्या देता है, H प्लस देता है। पहले HI ने जो है HI को कैसे है तो H प्लस देगा। तो ये जो H पॉजिटिव है ना, तो ये आप देख रहे हैं ऑक्सीजन में क्या है, लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। तो CH3O H पॉजिटिव CH3 ओके। तो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन में जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन पॉजिटिव ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सोनियम आयन, ठीक है ना। तो आप देखते हैं इमीडिएटली यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं सिमेट्रिकल है, तो आप चाहे इस बॉन्ड को यहाँ ले लीजिए या इस बॉन्ड को यहाँ ले लीजिए, इट इज अ मैटर ऑफ गलती, कोई चांस नहीं है। तो CH3OH पॉजिटिव CH3, तो ये वाला बॉन्ड लेट की हमने यहाँ ले लिया क्योंकि ऑक्सीजन में पॉजिटिव आ गया है, तो ऑक्सीजन और भी ज्यादा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, तो ये यहाँ आएगा। और साइमल्टेनियसली अगर हम देखें जो आई नेगेटिव जो है यहाँ पर बचा हुआ है वो भी अगर हम ले लें तो क्या होता, देखिए ये यहाँ शिफ्ट होगा तो CH3OH आ गया और CH3 के साथ में ये लग जाएगा, तो CH3I प्लस CH3OH ये प्रोडक्ट आपके बच जाएगा जो यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी कोल्ड की कंडीशन है। इसी तरह से हम इसको हॉट कंडीशन में भी लेके जा सकते हैं, और इसका अगर मैकेनिज्म और भी देखें आप दूसरे तरीके से इसको, इसका मैकेनिज्म SN2 के अकॉर्डिंग भी इसको समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमने डायरेक्ट दिया है वो डायरेक्ट क्या है, ये O पॉजिटिव जो है इसमें एक स्टेट और बन सकती है, अगर आप इंटरमीडिएट बनाना चाहें, ट्रांजिशन स्टेट इसको बनाना चाहें, अगर उसके अकॉर्डिंग भी देखें तो ये थोड़ा सा इसको स्प्रेड कर लेते, देखिए इसकी और मैकेनिज्म अगर आप देखना चाहते हैं, क्योंकि ये SN2 मैकेनिज्म है। कैसे, ये वाला जो स्टेप है O पे पॉजिटिव आ रहा है, तो इट मीन्स ये वाला बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ को है, ऑक्सीजन की तरफ को है, तो इससे इस पे क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव आ जाता है, और जो आ भी रहा है हमने पॉजिटिव और ये मिला करके ये किया था। तो यहाँ पे जो साइमल्टेनियसली एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है वो भी अगर आप देखना चाहते हैं, देन यहां पहुंच जाएंगे CH3OH यहां पे पॉजिटिव, इसको डेल्टा पॉजिटिव लिख देते हैं, और ये बॉन्ड जो है आपका, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट बना रहे हैं, क्योंकि ये बॉन्ड हम कंप्लीटली यहां शिफ्ट ना करके डॉट 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 बना रहे हैं, और ये वाला बॉन्ड इसके साथ जुड़ेगा, तो CH3 डॉट 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 आई, ये हमारा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये यहां को खींचा तो इसको अगर यहां लेके आए, अभी हम पहले पॉजिटिव था तो अभी हम कोई चार्ज नहीं, ये डेल्टा नेगेटिव लगा, इस तरह से एक स्टेट बनती है। ये तो पॉजिटिव है हमारा ऑक्सीजन का, और अभी इसमें पॉजिटिव हम अगर देखें तो ये भी पॉजिटिव, आप देखें ये हो गया पॉजिटिव, तो ये है TS ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में इसको SN2 क्यों बोल रहे हैं वो भी देखना आपको, देखिए ये है हमारा सबस्ट्रेट, इस पे ये अटैक किया, इट मीन्स दोनों एक साथ अटैक कर रहे हैं, और दिस वन इज द स्लोएस्ट स्टेप, SN2 ये है, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है जब ये ब्रेक होगा तो अपने आप ही यहां पर तक पहुंच जाएंगे। तो ये एक मैकेनिज्म का जो है पूरा अगर आप रूप देखें तो इस तरह से आप, अब इसके बाद जो है इसको हम हॉट अगर HI ले लें तो उसके साथ भी आपको बताएंगे। तो ये क्लियर हो गया ना, यहीं पे अगर हम इस कंडीशन को बदल दें और ये हॉट ले लें तो देखिएगा क्या होता है। एक्चुअली जब हॉट कंडीशन पे है, जैसे कि मैंने बताया कोल्ड कंडीशन में माइल्ड की तरह काम करेगा, हॉट में क्या करेगा वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो CH3OCH3 प्लस HI, और अब हम ले रहे हैं हॉट कंडीशन पे, वार्म कंडीशन पे तो प्रोडक्ट क्या बनने की चांस है। तो हॉट कंडीशन पे जो HI है वो स्ट्रॉन्ग की तरह काम करेगा, तो वो जो है स्ट्रॉन्गली जो है इसमें अटैक करता है, और किस तरह से होता है देखिए, 2 मोल जो है यूज होते हैं
जब ये हॉट है तो ये ज्यादा एसिड की तरह बिहेव करेगा, तो ये इसका एक मोल और एसिड के दो मोल आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। पहले हमने देखा था जब कोल्ड कंडीशन थी, क्योंकि एच आई जो है माइल्ड एसिड की तरह काम कर रहा था, तो इट मींस आयोनाइजेशन वीक था। आयोनाइजेशन वीक था तो ऑब्वियसली कि कम मोल जो है हमारे एच आई के यूज होंगे सबस्ट्रेट के लिए। लेकिन अगर कंडीशन को आप हॉट ले लेते हैं तो नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयंस जो है उसमें मॉलिक्यूल में ज्यादा बनते हैं। नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयंस अगर आपके ज्यादा बनते हैं तो आपको नंबर ऑफ मोल्स भी आपको ज्यादा लेने हैं। तो इस कंडीशन पे देखिए क्या होगा, दो एच आई ऐसे यूज होंगे। तो उसी तरह से ये जैसे यहाँ पर बना आपका जो सी एस पी ओ एच पहले बन रहा था, सेम उसी तरह से होगा, लेकिन इसके भी दो मोल यूज होंगे। तो साथ में हमारा क्या बन जाता है, सी एच थ्री ओ एच के दो मोल बनते हैं और प्लस जो है एच टू आउट होता है, ये भी दो। तो ये हमारा यहाँ पर दोबारा से जो है सी एस थ्री आई का फॉर्मेशन नहीं होता है, जो पहले वाले में सी एस थ्री आई बना था। तो अब इसको अगर दो मोल को ऐसे ले लें, आप दो मोल हम लिख रहे हैं सी एच थ्री ओ सी एस थ्री, ठीक है ना। तो एक तो एच आई, एक आप ये कह रहे थे, इस तरह से ये हो गया, ठीक है ना। जो दूसरा वाला जो सी एस थ्री है ये हो गया, एक एच और है इसी में। जैसे ये बना, जैसे ये बनता है वो इमिडिएटली उसके साथ भी जैसे एच आई बना, लेकिन वो तुरंत तो जो है यूज होकर के टू तो मोल जो है सी एस थ्री नो सी एस थ्री ओ एच हो गया। ये इसमें थोड़ा सा रिएक्शन में चेंजेज आ गए हैं, इसमें मैकेनिज्म इस तरह से आप बनाएंगे सी एच थ्री ओ सी एस थ्री है, क्योंकि हम कह रहे हैं वाटर आउट होगा, दो मोल ले रहे हैं वाटर आउट होगा, तो ये आ जाएगा दो मोल है एच आई के, तो एच आई ये हो गया। अगर इसके दो मोल है और इसका एक मोल ले रहे हैं तभी सिर्फ बन जाएगा आपका। तो यहाँ पे ये जो बन रहा है और ये बन रहा है एक मोल से ही हो गया, लेकिन जैसे ही ये बना, क्योंकि ये हॉट है तो ये बनते ही क्या हो जाता है, इसमें दोबारा से जैसे सी एस थ्री वेज बनाना सी एस थ्री सी एस थ्री आई और सी एस थ्री आई तो आई सी एस थ्री आई प्लस ये बीच में है H2, तो इस तरह से इसको बना दिया, ठीक है। एक्चुअली पहले बना हमारा जैसे ये पार्ट हो गया सी एस थ्री आई, ठीक है, बना तो हमारा सी एस थ्री वैसे एक पार्ट, लेकिन ये ज्यादा है हॉट है तो दूसरा एच आई तुरंत अटैक करेगा और ये जो है एच ओ एच ये वाटर हो गया और सी एस थ्री आई अलग हो गया। तो दो मोल जो है हमारे किसके बनेंगे, सी एस थ्री आई के टू मोल बनते हैं और वाटर जो है एक आउट हो जाता है। जबकि इससे पहले इसी का कोल्ड कंडीशन जब थी, कोल्ड कंडीशन से अगर आप कंपेयर करें तो एच आई का एक ही मोल है, एक मोल में यहां भी वही बन रहा है, बट यहां पर एक ही मोल है तो रिएक्शन हमारी यहां पे खत्म होगी। देखिए सी एस थ्री ओ एच प्लस क्या है सी एस थ्री आई पे, लेकिन क्योंकि ये ज्यादा है तो इसके साथ में एच आई और लिख दीजिए आप एच एच आई ये लिख दें, तो इतना ये हो गया सी एस थ्री आई दोबारा बन गया। तो इट मीन्स इस तरह से दो सी एस थ्री आई बन गए और एक जो है एच टू बन जाएगा। तो ये है हमारा हॉट के साथ में, ठीक है ना। कोल्ड के साथ में केवल एल्काइल आयोडाइड और एल्कोहल बनेगा, लेकिन हॉट के साथ में दो के दो मोल हमारे किसमें पहुंच जाएंगे, सी एस थ्री आई में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह से अगर आप देखें रिएक्शन ईथर की, डाइल्यूट H2SO4 के साथ में भी रिएक्शन होगी, तो अब हम बताते हैं आपको डाइल्यूट H2SO4 के साथ। डाइल्यूट H2SO4 के साथ में अगर आप करेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग है। डाइल्यूट H2SO4, तो डाइल्यूट H2SO4 एज द नेम इज डाइल्यूट, डाइल्यूट मीन्स वाटर उसमें होगा और H2SO4 जो है एक तरह से कैटलिस्ट की तरह यहाँ पर काम करेगा। तो इसमें कैसे बनाना है, हमने जैसे सी एच थ्री ओ सी एच थ्री डाइल्यूट है तो प्लस H2 हो गया, ठीक है ना।
और इन द प्रेजेंस ऑफ बीच में लिख देते हैं हम H2SO4 और इसको गर्म कर रहा है। क्लियर। तो रिएक्शन जो है बहुत ज्यादा टफ नहीं है, तो इसमें यह हो जाएगा कि जो ये H2O का H प्लस और OH माइनस दो होता है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, दो लोन पेयर। जब ऑक्सीजन के ऊपर आपके लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं तो ये जो एच पॉजिटिव है, जो एच पॉजिटिव पार्ट है, क्योंकि एच पॉजिटिव हमें मालूम है पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, ये यहाँ पे अटैक कर जाएगा। जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन में क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। जब ऑक्सीजन में पॉजिटिव आएगा तो उसके बाद आप चाहे ये CO बॉन्ड या ये CO बॉन्ड में से किसी भी एक बॉन्ड को आप किसकी तरफ शिफ्ट करेंगे, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेंगे। जब ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेंगे तो एक C पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, चाहे आप इसमें लगा दे पॉजिटिव या इसमें लगा दे। अगर इसको यहाँ शिफ्ट करते तो इसमें पॉजिटिव होगा, इसको यहाँ शिफ्ट करते तो इसमें पॉजिटिव होगा। जिस किसी भी कार्बन में पॉजिटिव आएगा उससे जो है वाटर का नेगेटिव पार्ट जो जाएगा। तो इस तरह से रिएक्शन ये भी कंप्लीट होती है आपकी। तो CH3OHCS3OH, इट मींस ट्वाइस मोल ऑफ CH3OH, दो मोल हमारे CH3OH के बन जाते हैं। और अगर आप अनसिमेट्रिकल लेते हैं तो आपके पास में मिक्सचर भी आ जाता है। लेट की हमने ये ले लिया CH3CH2OCH3 और प्लस H2SO4 की प्रेजेंस है। तो आप देख रहे हैं कि जो पहले हमने लिया था दिस वन इज अ सिमेट्रिकल एल्की ईथर और ये जो है अनसिमेट्रिकल ईथर है। तो H प्लस और OH माइनस इसमें है, आप किसी एक के साथ में H और किसी दूसरे के साथ में OH, तो CH3CH2OH CH3OH, तो इट मींस मिक्सचर ऑफ एल्कोहल यहां पर बनेगा CH3CH2OH प्लस CH3OH, ठीक है ना। तो सिमेट्रिकल ईथर होगा तो एक ही कोई अल्कोहल बनेगा, लेकिन अनसिमेट्रिकल ईथर होगा तो आपके जो है तो मिक्सचर ऑफ अल्कोहल बने। सेम इसी तरह से कुछ और रिएक्शंस हमारी ईथर की है, परऑक्साइड फॉर्मेशन। जब हम ईथर को लॉन्ग कॉन्टेक्ट में रखते हैं एयर के साथ में तो उसमें परऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। और परऑक्साइड जो है जब फॉर्म करता है तो आप जानते हैं कि उसमें ईथर में ब्लास्ट के भी चांस हो सकते हैं। तो वो इसीलिए कभी भी याद रखना हमने कि जब ईथर को किसी बॉटल में भरा हुआ है, लेट की कोई कंटेनर है उसमें अगर ईथर को भरा हुआ है तो पूरा टॉप ब्रिम तक भरते हैं जिससे कि ऑक्सीजन का अमाउंट वहां क्या हो, कम से कम। अगर ऑक्सीजन जो है बॉटल में रहती है, पता चला कि आपने ईथर को हाफ बॉटल में भरा हुआ है, आधी आप सीसी जो है खाली है, बॉटल पूरा खाली है, तो पूरे में क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन जो है ईथर के साथ में रिएक्ट करके जो है इसके अंदर क्या बना सकता है, परऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो देखिएगा कैसे वो रिएक्शन होती है, लेट की CH3OCH3 है और इसमें लॉन्ग कॉन्टेक्ट में आपका O2 अगर रह जाता है तो इसमें आप कैसे इसको बनाते हैं, ये CH3OCH3 है, ऑक्सीजन के ऊपर आप देखते हैं लोन पेयर है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी यहाँ से किस तरह से इसको चेंज आपको करना, देखिए ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन इसके साथ में अटैक करता है तो यहाँ पे जो ये CH3 है या CH3 है इनमें से किसी भी एक साइड में ये CH3O आप CH3 ये लिखते हैं और यहाँ पर इस तरीके से जो है O ये भी बना। एक हमने अभी परऑक्साइड लिंकेज आपके सामने रखा, यहाँ से यहाँ की तरफ डोनेशन होता है ये, तो इस तरह से बनाते हैं। बट ये जब पूरी मैकेनिज्म बनती है तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन इसके साथ आ जाता है और OOH का फॉर्मेशन होता है वो लास्ट में, तो इस तरह से परऑक्साइड एक फॉर्म करेगा। तो परऑक्साइड की फॉर्मेशन इसमें होती है, परऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये परऑक्साइड जो है जब इसके अंदर बनेगा तो ये परऑक्साइड जो है आपका एक्सप्लोड कर सकता है। तो हमें उससे बचने के लिए इस किसी भी ईथर के कंटेनर को जो है टॉप तक ब्रिम तक उसको भरा जाता है। अगर आपने ब्रिम तक नहीं भरा है
तो एक परोक्साइड की रिएक्शन हो सकती है। तो अब इसमें जो हम दूसरे तरह के कंपाउंड और ले लें, तो ये एक और मैं आपको दे दूं, क्योंकि ये जस्ट एक मैकेनिज्म है, इसको ऐसे ले लेते हैं, अगर O2 है, ओके, तो यहां पे जो ये CH2 है, तो आप यहां पर भी इसके बॉन्ड फॉर्मेशन को कैसे लिख सकते हैं, देखिए ओ सी एच टू सी एच, ये हो गया सी एच थ्री ओ ओ एच, इस तरह से कुछ परऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। यहां पर जो ले लिया जाता है सी एच से एक एच हट गया, ओ ओ एच लग गया, तो इस तरह से भी एक परऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये सो रिएक्शन है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ जो है ऑक्सीजन होता है, एयर के कॉन्टेक्ट में उसको आपको नहीं रखना होता है। तो ये कुछ रिएक्शन हमने बताई आपकी ईथर की। अब इसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा वो टॉपिक कार्बोनिल कंपाउंड्स का।